आज प्रथम प्रकाश का 17वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में एक शब्द बार बार आया है, अदिति। अदिति का अर्थ है अविनाशी। संस्कृत भाषा में एक धातु क्रिया है, दो अवखंडन है, इसका अर्थ है टूटना, नष्ट होना। इस दो धातु से दिति शब्द बनता है। जो चीज नष्ट हो जाए वो दिति, और जो नष्ट ना हो वो अदिति। तो ईश्वर के बारे में बताया है कि ईश्वर अदिति है, वो नष्ट नहीं होता। मंत्र में देव, अंतरिक्षम आदि शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ भौतिक भी होते हैं, भौतिक पदार्थों के नाम भी हैं ये, देव, अंतरिक्ष आदि। परंतु ये सब नाम ईश्वर के भी हैं। तो आज के मंत्र में जो महर्षि दयानंद जी ने यहाँ व्याख्या की हुई है, इस व्याख्या में ये सारे नाम ईश्वर के बताए हैं। तो अदिति देव, ईश्वर अदिति है, वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता, और उसका नाम देव है। देव का अर्थ है चमकने वाला, प्रकाश स्वरूप। पर ईश्वर ऐसे नहीं चमकता जैसे सूर्य चमकता है। ईश्वर में ऐसा प्रकाश नहीं है, ईश्वर में ज्ञान रूपी प्रकाश है। वेद आदि शास्त्रों में ईश्वर को अनेक स्थानों पर प्रकाश स्वरूप, अग्नि, ज्योति आदि आदि नामों से ईश्वर का वर्णन किया गया है। कहीं आदित्य वर्णम ऐसा भी कहा है वेद मंत्रों में। तो जहां भी ईश्वर को आदित्य वर्णम, ज्योति और अग्नि आदि नामों से कहा जाता है, तो वहां सब जगह उसका अर्थ लगाना चाहिए कि वो प्रकाश स्वरूप का मतलब ज्ञान स्वरूप है। वैदिक साहित्य में ज्ञान और प्रकाश को समानार्थक मानते हैं। ज्ञान का अर्थ है प्रकाश, या प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। जैसे प्रसिद्ध प्रार्थना है, ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो यहां जो तमसोमा ज्योतिर्गमय प्रार्थना है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमें तमस अंधकार से हटाकर और ज्योति प्रकाश की ओर ले चलें, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से की है। तमसोमा ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से प्रकाश का मतलब अविद्या से विद्या की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें। तो इसी प्रकार से जहां जहां देव आदि शब्द या प्रकाशवाचक शब्द आएंगे ईश्वर के लिए, वे सब ज्ञान अर्थक समझने चाहिए। तो ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और वो अदिति है, विनाश से रहित है, कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही अदिति अंतरिक्षम, तो अंतरिक्ष आकाश को बोलते हैं। जैसे अंतरिक्ष सब जगत के पदार्थों को धारण करता है, उनको स्थान देता है, इसी प्रकार से ईश्वर भी सब जगत के पदार्थों को धारण करता है, वो उनका अधिष्ठाता है, उनको सुरक्षित रखता है। इस प्रकार से अंतरिक्षम नाम ईश्वर का हुआ, और अंतरिक्षम भी अदिति, वो भी नष्ट नहीं होने वाला है। फिर कहा अदिति माता, ईश्वर का एक नाम माता भी है। प्रायः लोग माता का अर्थ समझते हैं जो बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसकी रक्षा करती है,
उसको माता कहते हैं, वो भी ठीक है, परंतु यहां माता का अर्थ है मांग माने धातु से त्रिच प्रत्यय करके माता शब्द बना है, तो इसका अर्थ है माप तोल करने वाला, उसको भी माता बोलते हैं। न्याय दर्शन में आप एक शब्द बोलते हैं प्रमाता, प्रमाता का मतलब माप तोल करने वाला, प्रमाणों से अच्छी तरह से माप तोल करने वाला, परीक्षा करने वाला, उसको प्रमाता कहते हैं। तो वही माता ही प्रमाता है, प्र उपसर्ग लगा दी, तो ईश्वर भी माता है, माप तोल करता है, सब वस्तुओं को अच्छी तरह से पहचानता है, सब वस्तुओं को अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी वस्तु कैसी है, किसमें कितने क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, ऐसे सबकी माप तोल कर लेता है, उसको माता कहते हैं। वो माता नाम वाला ईश्वर भी अदिति अविनाशी है, ऐसे ही पिता लिखा है आगे सब पिता, तो ईश्वर सबका पालक है, सबका रक्षक है, पिता का अर्थ है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, तो ईश्वर सबका पिता है, सबकी रक्षा करता है, सबका पालन करता है, संसार को उत्पन्न भी करता है, वो भी अदिति है, अविनाशी है। अगला शब्द है सपुत्र, ईश्वर जो है पुत्र भी है। अब ये आपको अजीब सी बात लगेगी, ईश्वर हमारा पिता भी है और हमारा पुत्र भी है, तो क्योंकि लोग तो मोटी भाषा ही जानते हैं व्यवहार की, पुत्र का मतलब बेटा समझते हैं, कोई बात नहीं बेटा भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। पुत्र का जो संस्कृत वाला सीधा सीधा शब्दार्थ है वो है दुख से पार लगाने वाला, दुखों से रक्षा करने वाला, कुक अर्थ होता है नरक, नरक मतलब दुख, और त्रक अर्थ है त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला, जो नरक से हमारी रक्षा करता है, दुखों से हमें बचाता है, उसका नाम पुत्र है। तो ईश्वर हमें दुखों से बचाता है या नहीं बचाता है, इसलिए उसको पुत्र कह देंगे, कोई समस्या नहीं, वो हमारी माता भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, सब कुछ है, वो भी अदिति है। फिर कहा विश्वे देवा अदिति, और ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, विश्व देवा सब अच्छे अच्छे गुण हैं, वो सब नष्ट न होने वाले हैं, वो भी अदिति हैं। संसार का पालन करना, संसार की रचना करना, अंत में संसार का नाश करना आदि आदि, ये सारे काम ईश्वर करता है, ये उसके बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, वो न्यायकारी है, दयालु है, सर्वरक्षक है, आनंद का भंडार है, इस प्रकार से जितने गुण ईश्वर में हैं वो सब अविनाशी हैं, अदिति नाम से उनका कथन किया गया। फिर कहा पंच जना अदिति, पंच जन का अर्थ है पांच प्राण, जो शरीर की रक्षा करते हैं पांच प्राण, उनको पंच जन नाम से कहा जाता है। अब सीधा शब्दार्थ तो है पंच जना अदिति, जो पांच प्राण हैं वो अदिति हैं, अविनाशी हैं, परंतु यहां महर्षि जी ने अर्थ किया जो पांच प्राणों का बनाने वाला है, व्यवस्थापक है, वो ईश्वर, ईश्वर के संबंध में सारा अर्थ चल रहा है। तो यहां पंच जना का अर्थ होगा पांच प्राण को बनाने वाला ईश्वर, वो अदिति है, वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आपके मन में शंका हो सकती है कि भाई ईश्वर यहाँ पंच जना का अर्थ तो पांच प्राण है, तो फिर ईश्वर अर्थ कैसे करेंगे? तो साहित्य में बहुत सारे तरीके होते हैं शब्दों के अर्थ बनाने के, कहीं कहीं पर कर्ता और कार्य का अभेद कथन होता है, जैसे किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, उसने कहा जी वाल्मीकि को पढ़ रहा हूं, पढ़ तो रहा रामायण पर बोल क्या रहा है, मैं वाल्मीकि को पढ़ रहा हूं। लोग पूछते हैं तुमने स्वामी दयानंद को पढ़ा कभी, मतलब है उनकी बनाई हुई पुस्तक, जबकि वो पुस्तक का कर्ता है, सत्यार्थ प्रकाश आदि पुस्तक का बनाने वाला है महर्षि दयानंद, और लोग सीधे ही बोल देते हैं क्या आपने महर्षि दयानंद को पढ़ा, क्या आपने सुकरात को पढ़ा, तो सुकरात करता है जबकि उसकी कार्य वस्तु है उसकी पुस्तक, तो वह दोनों का अभेद मान करके इस तरह से कथन कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर
पांच प्राण ये कार्य है और इसका करता है ईश्वर, तो दोनों में अभेद मान करके पंच जनाः अदिति, जो पांच प्राणों का बनाने वाला ईश्वर है वो अविनाशी है, इस तरह से यह अर्थ करेंगे। और फिर आगे कहा जातम अदिति, और जो अदिति अविनाशी ईश्वर है वो जातम, वो सदा ही प्रादुर्भूत रहता है, जनी प्रादुर्भावे धातु से जातम, वो सदा ही प्रादुर्भूत रहता है। प्रादुर्भूत का अर्थ है विद्यमान, उत्पन्न नहीं होता, ईश्वर तो उत्पन्न होता नहीं, वो अनादि है, तो सदा ही ईश्वर अपने अस्तित्व में ठीक ठाक बना रहता है। जबकि जगत के पदार्थ, लिखा महर्षि जी ने भाष्य में, कभी प्रादुर्भूत और कभी अप्रादुर्भूत होते हैं। जब सृष्टि बनती है तो वो प्रकट हो जाते हैं, और जब प्रलय हो जाती है तो वो अप्रादुर्भूत हो जाते हैं, छुप जाते हैं। उनका सर्वथा नाश तो उनका भी नहीं होता, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ पाते, वो सब शांत हो जाते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं। जब उनका व्यवहार नहीं चलता तो इस अभिप्राय को बताने के लिए अप्रादुर्भूत शब्द का प्रयोग किया। तो संसार के जो पदार्थ हैं वो कभी व्यवहार में आते हैं और कभी नहीं आते, कभी वो प्रकट होते हैं कभी छुप जाते हैं। ईश्वर कभी नहीं छुपता, वो सदा वैसा ही रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती। और अंत में कहा अदिति जनित्व, और जो इस संसार का जन्म देने वाला है, उत्पादक कारण है ईश्वर, वो अदिति है, अर्थात वो अविनाशी है। बार बार वो संसार को बनाता है, पहले भी बनाया, अब भी बनाया, आगे भी बनाएगा। इस प्रकार से ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें आज के मंत्र में बताई गई कि वो अविनाशी है, उसमें इस प्रकार के गुण हैं। ऐसे अविनाशी गुणों वाले अविनाशी ईश्वर को हम जाने, उसके गुणों को समझें, उसके गुणों को धारण करें, उसके कानून व्यवस्था को स्वीकार करें और उस व्यवस्था के अनुसार अपना आचरण बनाएं, अपना व्यवहार बनाएं, इस प्रकार का अभिप्राय